बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप जेएस बैंक की ज़िंदगी ऐप का इनवाइट एक्सेप्ट करवा के 100 रुपये तक का कैशबैक किस तरह हासिल कर सकते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह न्यू आने वाले दोस्तों की एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग और फ्री इंटरनेट के बारे में वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि आप जेएस बैंक की ज़िंदगी ऐप का इनवाइट एक्सेप्ट करवा के 100 रुपये तक कैशबैक किस तरह हासिल कर सकते हैं। मैंने एक नंबर को इनवाइट किया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक कर लेना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपको पहले ब्राउज़र में ले जाएगा, उसके बाद ये आपको ले जाएगा प्ले स्टोर में। जो नेक्स्ट स्टेप आता है तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ आपने क्या क्या करना है। तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, आपने क्या करना है, अवेलेबल ऑन दी एंड्रॉयड स्टोर, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का आपके पास मज़ीद एक इंटरफेस शो होगा, आपने क्या करना है, साइनअप पे क्लिक कर लेना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपके पास नेक्स्ट इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। आपके पास जो इस तरह का इंटरफेस शो होगा तो आपने क्या करना है, आपके पास मोबाइल के 3 बटन होते हैं, जो दरमियान वाला होता है आपने उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास सुपर क्लोन होगा, आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ आपने यहाँ क्या क्या करना है। तो आपने क्या करना है, आपने इस प्लस पे क्लिक कर लेना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा, तो आपने क्या करना है, जिनकी ऐप को ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। अलाउ पे क्लिक करना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर लेना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी। तो ये जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम लेगी, ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने साइनअप पर क्लिक कर लेना है। साइनअप पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपने क्या करना है, नाम देना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस। तो क्या करते हैं, जल्दी से कोई भी हम नाम दे देते हैं। उसके बाद हमने मोबाइल नंबर देना है जिस पे हम अकाउंट बनाना चाहते हैं, जिस नंबर को हमने इनवाइट किया था, तो जल्दी से वो नंबर यहाँ इनपुट कर लेते हैं। ये नंबर हो गया, अब हमने यहाँ ईमेल इंटर कर देना है। ईमेल इंटर आप कोई भी ईमेल इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ईमेल, ठीक हो गया, ये मैंने ईमेल टाइप कर दी। यहाँ हमने क्या करना, 1-2 लाजमी गिनती के भी लिख देने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने हैं। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऊपर सबसे पहले आपने CNSE नंबर, उसके बाद आपने इशू डेट इनपुट कर लेने। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से दोनों चीज़ें इनपुट कर लेता हूँ। तो आप चेक कर सकते हैं दोनों चीज़ें जो कि इनपुट कर ली हैं। उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट पे क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस शो होगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो हमारे पास एक OTP रिसीव होगा जो कि 5 हिंसों का होगा। तो जो OTP रिसीव हो चुका है तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, वो OTP यहाँ इनपुट कर लेता हूँ। OTP इनपुट करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरफेस शो होगा, हमने अपना पिन क्रिएट करना है, ठीक है। कन्फर्म आपने ऊपर भी सेम देने, नीचे भी वही दे देना जो आपने ऊपर दिया था। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे हमने क्या करना है, मदर नेम सेलेक्ट कर लेनी है। मदर नेम अगर आप गलत इनपुट करेंगे तो अकाउंट जो है आपका फ़ौरन टर्मिनेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, आप ये चेक कर सकते हैं। हमने क्या करना है, यहाँ मदर नेम इनपुट कर लेना। तो क्या करते हैं, जल्दी से मदर नेम इनपुट कर लेते हैं। मदर नेम इनपुट करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद हमारा अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब हमने इसमें 100 रुपये डिपॉजिट करने हैं, ठीक है। आप एक अकाउंट से 2 मरतबा पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप इजी पैसा यूज़ कर रहे हैं, आप उस एक इजी पैसा अकाउंट से 2 मरतबा जिंदगी ऐप में, जेएस बैंक की जिंदगी ऐप में पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। जब 3री मरतबा करेंगे तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं, जल्दी से इसमें 100 रुपये डिपॉजिट कर लेते हैं। डिपॉजिट कर लिए तो क्या करते हैं, रिफ्रेश पे करते हैं क्लिक। रिफ्रेश पे क्लिक करने के बाद जो 100 रुपये की अमाउंट है वो हमारे अकाउंट में रिसीव हो चुके हैं। तो क्या करते हैं, 100 रुपये हम क्या करेंगे, अदर बैंक में भेज देंगे। ये पैसे आपने मंगवाने भी अदर बैंक में हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, मूव मनी पे क्लिक करते हैं। मूव मनी पे क्लिक करने के बाद बैंक अकाउंट पे करेंगे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, बैंक ढूंढ लेना हम कहाँ भेजना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या किया है, आपके सामने बैंक दिया जो कि UPSA, मोबाइल नंबर 100 रुपये, उसके बाद निक नेम, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो 100 रुपये हमने डिपॉजिट किए थे अदर बैंक में, ये 100 रुपये हम वापस किसी और बैंक में भेज देंगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगा कि मुझे जो कैशबैक है मिलता है या नहीं मिलता। सेंड मनी पर क्लिक करते हैं। उसके बाद
जो हमने पिन क्रिएट किया था वो पिन एंटर करके ये 100 रुपये किसी दूसरे बैंक में भेज दे। उसके बाद आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा इनवाइट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये ठीक है, डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद वापस अकाउंट में चलते हैं कि हमें 50 रुपये का कैश बैक मिला है या नहीं मिला। तो थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। वेट करने के बाद इस पे बैलेंस पे करते हैं क्लिक। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं 50 रुपये का कैश बैक रिसीव हो चुका है। 100 रुपये अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए थे, 100 रुपये फिर दूसरे बैंक में भेजे हैं, उसके बाद ये 50 रुपये रिसीव हो चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जहाँ से मैंने इन्वाइट किया था वहाँ भी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा इन्वाइट एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो आप चेक कर सकते हैं जो मेरा इन्वाइट है वो एक्सेप्ट हो चुका है, आप ये चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ अप्लीकेशन में कि जो मेरी अप्लीकेशन वहां मुझे मिला है या नहीं मिला। तो क्या करते हैं, यहां करते हैं बैलेंस पे क्लिक। बैलेंस पे क्लिक करने के बाद मैं आपको चेक करवा देता हूं एप्लीकेशन में जो मेरा इनवाइट है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ, आप ये चेक कर सकते हैं। तो आप ये एप्लीकेशन में भी चेक कर सकते हैं, रेफरल 50 रुपये का जो कैश बैक है वो रिसीव मुझे हो चुका है। आप डेट भी चेक कर सकते हैं, ये आज की डेट में मैंने वीडियो बनाई है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ आपको मैसेज में भी ये चीज़ दिखा देता हूँ कि वहाँ डेट क्या शो हो रही है, अगर हो रही है तो। ठीक है, आप ये ऊपर चेक कर सकते हैं, मंडे है 22 अगस्त 2022। ठीक है, तमाम तरह डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि आप JS बैंक की जिंदगी ऐप का इनवाइट एक्सेप्ट किस तरह करवा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।